हाजीपुर में दिन प्रतिदिन आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। लगातार हो रही लूट के बाद अब बेखौफ अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मार दिया है। सदर थाना के इनिच 22 पर बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद घायल युवक सड़क किनारे खून से लथपथ पड़ा था। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। घायल युवक अमरेश राम भगवानपुर का रहने वाला बताया जा रहा है और यह घटना तब हुई जब अमरेश राम अपने भाई को हाजीपुर रेलवे स्टेशन छोड़कर वापस घर लौट रहा था। इसी बीच अपराधियों ने उसे गोली मार दी। घटना के बाद सदर थाने की पुलिस युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गई, जहां गंभीर अवस्था को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे PMCH रेफर कर दिया। घटना के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सदर SDPO राघव दयाल मौके पर दलबल के साथ पहुंच गए। उन्होंने बताया कि अपराधियों ने युवक के सिर में और पेट में गोली मारी है, जिसके कारण उसकी हालत गंभीर है। उन्होंने कहा कि घटना के कारणों का पता किया जा रहा है, साथ ही साथ अपराधियों की पहचान कर उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक्सीडेंट चंदा मामा से एक्सीडेंट हो गया, फिर बाद में सुने के कि जो गोली मार दिया। तो मेरा घर हाजीपुर में है। कैसे मन कौन है आपके? जयदी के मेहमान। कहाँ आया था हाजीपुर? गाड़ी धर नहीं आया था मेहमान मेरा, ये भाई है, भाई आया था चार लेकर के यहाँ ट्रेन धरान। किसको? भाई को अपना। अच्छा। और स्टेशन पर छोड़ के जा रहा था। कहाँ पे लगा है गोली? कहाँ? एगो माथा में है, एगो पेट में है। अच्छा। कैसे लगा, मैंने कौन मार दिया इनको? अब क्या पता हमको कौन मार दिया, से हमको तो पता नहीं है। मैंने बीच में कुछ झंझट हुआ था या गाड़ी उड़ी कुछ छीन लेकर क्या था? नाम बता दीजिए अपना। नाम बताइए आप, अपना नाम बताइए। छीन रहा था कौन का? हाँ, गाड़ी छीन रहा। कितने आदमी था वो लोग छीनने वाला, कुछ बताए हैं आपको? तो पेशेंट बोल रहा है जो तीन आदमी था। तीन आदमी था। गाड़ी छीना कि नहीं छीना? गाड़ी को पता नहीं है। गाड़ी बच गया कि छीन लिया वो हम बाद में न पता करेंगे। पुलिस से और आगे टाटा के पास पश्चिमी लेन में अपने भाई को स्टेशन पर छोड़कर के भगवानपुर जाना सरमागाम कराने वाले थे, अपने घर लौट रहे थे अमरेश राम। उनको एक मोटरसाइकिल से तीन लोग क्या कर पीछा कर दो तो गोली मारा है, एक पेट में लगा है, सिर में लगा है, जख्मी हो गए। इलाज के लिए उनको पटना भेजा गया बेहतर इलाज के लिए, और उनका मोटरसाइकिल मोबाइल वगैरह सब उनके पासे में पड़ा हुआ पाया गया था। जख्मी हालत में रोड के किनारे पड़े हुए थे। सदर थाना की गश्ती गाड़ी आई है तो उनको देखा है, तो इलाज कराने के लिए सदर हॉस्पिटल ले गया था, जहाँ से बेहतर इलाज के लिए PMCH भेजा गया। अभी घटना का कोई कारण पता नहीं चल पाया है, उनके परिजन लोग आने के बाद ही कुछ स्पष्ट पता चल पाएगा क्या हुआ। बाइक बच गया? हम बाइक उनका सारा सामान सब वहीं पड़ा हुआ था, कहीं कुछ लेने की बात नहीं आ रही है सामने में।